नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आसिफ खान, मौजूद है उत्तर प्रदेश के नोएडा के सेक्टर 15 में। बात कर रहे हैं कि मूर्ति तोड़ने का चलन चल पड़ा है। दरअसल त्रिपुरा में जो चुनाव हुआ और उसमें बीजेपी की जीत हुई और उसके बाद मूर्ति जो है वो तोड़ने का चलन चल पड़ा, इसको लेकर राजनीति भी हो रही है। अब उत्तर प्रदेश में बाबा साहब अम्बेडकर के नाम के आगे रामजी शब्द उत्तर प्रदेश की सरकार ने जोड़ दिया। अब इसके बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर चल पड़ा और इसी बीच बाबा साहब की दो मूर्तियों को भी नुकसान उत्तर प्रदेश के अंदर पहुंचाया गया। एक इलाहाबाद में मूर्ति को तोड़ा गया है तो दूसरा सिद्धार्थ नगर से खबर आ रही है कि वहां पर भी बाबा साहब की मूर्ति को नुकसान पहुँचाया गया। अब सवाल इस बात को लेकर उठ रहा है, देश की राजनीति हमारी किस दिशा में जा रही है? दलितों को आखिर परेशान क्यों किया जा रहा है? क्या भेदभाव की राजनीति यहाँ पर हो रही है? क्या सत्ता पर पहुँचने के लिए हर स्तर तक गिरने को तैयार हैं राजनीतिक दल? क्या राजनीतिक दलों की शह के आधार पर ये सब कुछ हो रहा है? इसको लेकर हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए राजनीतिक दलों की क्या प्रतिक्रियाएँ आई इसको लेकर। आज ये जो घटना हुआ है ये बहुत ही निंदनीय है। इसकी कड़ी शब्दों में हमारे समाज की तरफ से निंदा की जाती है और दोषियों पर कार्रवाई की हम लोग मांग करते हैं। माननीय प्रशासन के इंतजार रहेगा कुछ क्षण के लिए, जब तक वो मूर्ति दूसरी यहाँ नहीं लग जाए हम लोग उठने वाले नहीं हैं। वो राजनीतिक षड्यंत्र के तहत ये सपा बसपा के लोगों का हाथ है। डुमरियागंज में पूर्णतः शांति है, कोई विद्वेष नहीं है। डुमरियागंज थाने के गोहनिया राजगांव जो भवानीगंज रोड पर है, आज शरारती तत्वों ने रात में डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर जी की प्रतिमा का दाहिना हाथ क्षतिग्रस्त किया। अभी सेंटर लो। तो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी शुरू हो चुकी है। यहाँ बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दलित और पिछड़ों की फिक्र इस सरकार को है नहीं, मूर्तियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है और बाबा साहब अम्बेडकर जी के आगे भी नाम में राम जी लगाया जा रहा है। अम्बेडकर साहब को राम जी बनाने में लगी है सरकार, जबकि दलित और पिछड़ों की फिक्र इस सरकार को नहीं है, आरएसएस को नहीं है और बीजेपी को नहीं है। मायावती ने जमकर खरी खोटी सुनाई बीजेपी सरकार को उत्तर प्रदेश के अंदर, जिन्होंने नाम बदला था। सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं हमारे देश की राजनीति किस दिशा में जा रही है? कोई भी विकास को लेकर बात करने को तैयार नहीं है। धर्म जाति के आधार पर बयानबाजी हो रही है और इसी के इर्द गिर्द देश की राजनीति हमारी जो है वो घूम रही है। इसे बातचीत करने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। संजय सिंह जी हैं नेता कांग्रेस, ए के मिश्रा हैं राजनीतिक विश्लेषक, दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। ए के मिश्रा जी, किस तरफ हमारे देश की राजनीति जा रही है? आज मूर्तियाँ तोड़ी जा रही हैं और साथ ही धर्म और जाति के नाम पर बयानबाजी हो रही है। भाई आसिफ, आपने बहुत सही कहा, ये केवल और केवल अगर देखा जाए ना तो ये वोट बैंक की राजनीति है। मैं आपको कुछ बड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी जो है स्टेटमेंट या सिस्टम में बताने वाला हूँ। मार्क्सवादी पार्टियाँ जो हो गई, कम्युनिज्म जो हो गया, एक तरफ तो वो बोलते हैं कि जी हम मूर्ति पूजा या किसी धर्म में बिलीव नहीं करते हैं। उनकी जो मूर्ति लेनिन की टूटी, मैं सही है या गलत है मैं इसको तो नहीं कुछ इस पर बोलना चाहूँगा, लेकिन जब आप धर्म या मूर्ति पूजा में आप जब बिलीव नहीं करते हो तो आप सरकार में आते ही सब जगह मूर्तियां क्यों बनवाना शुरू कर देते हो? अभी देखिए, एक गवर्नमेंट चेंज होगी, दूसरी गवर्नमेंट आएगी तो वो अपना जो पर्सनल एजेंडा होता है, चाहे वो धर्म से रिलेटेड हो चाहे जाति से रिलेटेड हो, सब जगह इंप्लीमेंट करना शुरू कर देंगी। एक खास किस्म की मूर्तियां बनवाना शुरू कर देंगी, बसों को रेड जो है पेंट करना शुरू कर देंगी या ब्लू कलर में पेंट करना शुरू कर देगी। प्रॉब्लम यहाँ पे तब आती है जब कोई भी राजनीतिक दल जब वो सिलेक्टिव हो जाता है किसी आइडियोलॉजी को लेके, तो ये प्रॉब्लम आती है। वो चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, सत्ता में आते ही उनसे पूछना चाहिए कि आप इतने सिलेक्टिव क्यों हो गए? क्या वोट को लेकर ये देखा जाता है कि हमारा किस जाति का वोट है और उसको फिर नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है? सेम चीज तो मैं ये बोल रहा हूँ कि क्यों सत्ता में आते ही जो चुनाव इलेक्शन कैंपेन के टाइम पे बोलते हैं कि भाई हमें सबकी बात करनी है, हम ये करेंगे, हम विकास की बात करेंगे, लेकिन जैसे ही वो मुख्यमंत्री या उनकी सरकार बनती है, मुख्यमंत्री पद पे आसीन होते हैं, उनकी सारी आइडियोलॉजी, सारा एजेंडा एक सिलेक्टिव हो जाता है, समाज के एक वर्ग विशेष को लेके हो जाता है,
तो डेफिनेटली अगर ऐसा होगा आप सिलेक्टिव हो जाओगे तो समाज का जो दूसरा वर्ग है उनके अंदर आक्रोश या रोष आएगा। मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, सारी पार्टियाँ सत्ता में आने के बाद आप देखो तो बहुत सिलेक्टिव हो जाती हैं अपने एजेंडे को लेके, किसी न किसी पैरामीटर पे वो चूजी हो जाती हैं और ये प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। संजय जी, हमारे देश की राजनीति किस दिशा में जा रही है, आज़ादी के इतने लंबे वक्त बाद भी आज देखिए दूसरे देशों ने कितना विकास किया, लेकिन हम सिर्फ भाई मैं कहना चाहूंगा कि इस देश की पहचान अगर है तो महात्मा गांधी के नाम से है। महात्मा गांधी जी ने इस देश को आज़ाद कराया, महात्मा गांधी ने इसका नवनिर्माण किया, महात्मा गांधी जी ने अपना एजेंडा दिया जिस एजेंडे पर चल के देश यहाँ तक पहुँचा है। मगर बड़ी दुख की बात है कि आज हमारे केंद्र के अंदर एक ऐसी सरकार है जो ना तो महात्मा गांधी के आदर्शों को मानती है, ना उनकी नीतियों को मानती है, ना उनकी बात को मानती है, ना भाईचारे को मानती है, ना दलितों को मानती है, ना अल्पसंख्यकों को मानती है, ना मजदूरों को मानती है। ये अलग तरह का एक वर्ग है और वैसे तो ये मैं कहता हूँ उद्योगपतियों की सरकार है मगर उद्योगपतियों को भी नहीं मानती है। आप ये देखें जो बात आप आज हम दलित समाज की कर रहे हैं, जब से ये सरकार योगी जी की यहाँ यूपी में आई, चाहे मोदी जी की सरकार केंद्र में आई, इनका एक खास एजेंडा है, ये दलितों को किसी ना तरीके अपमानित करना चाहते हैं, पीछे करना चाहते हैं, दबाना चाहते हैं। दलितों का पहले भी विकास नहीं हुआ, अगर पहले जब आपकी सरकारें रही हैं यहाँ पर 60 से 70 साल, अगर उस वक्त विकास हो जाता तो आज एक होते वो तो समान उसमें। आसिफ भाई क्या बात कह रहे हैं आप, इस देश के अंदर आप याद कीजिए आप कह रहे हैं दलितों का विकास, मैं वहीं आ रहा हूँ, देखिए गाँव आप सुनिए ना, मैं जवाब देता हूँ। आप कह रहे हैं विकास नहीं हुआ, इस देश के अंदर मैला सर पे ढोया जाता था, आज ये कांग्रेस की सरकार थी उस 60 साल के अंदर जिन लोगों ने राज किया। मैं जरूर मानता हूँ कि हर एक चीज के काम के अंदर एक समय लगता है, मगर आप आज आप बताइए जिस तरह के अधिकार, जिस तरह की बातें आज दलित समाज को दी गई, कांग्रेस ने लगातार उनको आरक्षण दिया, उनके बच्चों को आगे बढ़ने का अवसर दिया, उन्हें नौकरियों के अंदर आरक्षण दिया, मगर ये जो सरकार आप केंद्र में अब बैठी है खतरा इन लोगों से है। ये लोग आप बताइए बाबा साहब अम्बेडकर के अंदर नाम चेंज कर रहे हैं, लेकिन उनका विकास क्यों नहीं हुआ? सर एक मिनट भाई आ रहा हूँ, विकास क्यों नहीं हुआ? मैं आ रहा हूँ उस पर सर, आरक्षण दिया योजना, एक मिनट की बात कर रहा हूँ, आपने भी इससे पहले बात की थी, मैं उसके बाद उस पर ही आऊंगा। आप मुझे बताइए आज बाबा साहब का नाम बदलना चाहते हैं, मैं पूछना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी अपना नाम बदलेंगे, योगी जी अपना नाम बदलेंगे, दीनदयाल उपाध्याय का ये नाम बदलेंगे? अरे ये किस लिए नाम बदल रहे हैं, कि क्या जरूरत पड़ी है? ये जो इनका काम है विकास का काम इन्होंने किया नहीं, दलितों के लिए काम किया नहीं, किसानों के लिए काम किया नहीं, मजदूरों के लिए काम किया नहीं, स्टूडेंट्स के लिए काम किया नहीं, बेरोजगार के लिए काम किया नहीं, और जब उनसे कोई प्रश्न पूछता है तो ये इस तरह की बातें करते हैं, कभी नाम पलटना शुरू करते हैं, कभी किसी के किए हुए कामों का शिलान्यास करते हैं, कभी इसके अंदर आप मुझे बताइए कि रेप के केसेस आज यहाँ पूरे यूपी के अंदर बढ़ रहे हैं। क्या ये चलन सा बन गया है कि योजनाओं का नाम बदलना, शहर का नाम बदलना, और अब तो जो महान हस्तियां थी उनके नाम के आगे भी कुछ ना कुछ लगा रहे हैं? नहीं देखिए आसिफ मैं बताऊं, जो महान हस्तियां होती हैं अगर आप उनका होलसम पर्सनालिटी की एनालिसिस करिए, नाम बोलता है नहीं, मैं वही बता रहा हूँ कि जो महान हस्तियाँ होती हैं, भाई मैं बोलता हूँ महात्मा गांधी जी हैं, आप उनको महात्मा गांधी बोलिए या मोहनदास करमचंद गांधी बोल दीजिए या इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन में कुछ और डिफरेंट तरीके से आप बोल दीजिए, उनकी जो पहचान बनती है वो उनके काम से बोलती है। मैं बोलता हूँ कि देखिए आप अगर बाबा साहब अम्बेडकर ने खुद भी अपना नाम या धर्म बदला है। मायावती कह रही कि राम जी बनाने की कोशिश है ये अम्बेडकर साहब को, नहीं तो उसमें ऑब्जेक्शन क्या होना चाहिए, क्या पेटेंट करा लिया है क्या किसी ने? क्वेश्चन ये है कि राज कहना कि दलितों का आप ध्यान नहीं दे रही, दलितों के ऊपर नहीं, मैं बोलता हूँ मायावती जी जब थी, देखिए दलितों का नहीं ध्यान भटकाने का नहीं, कौन सी, मैं तो बोलता हूँ सारी पॉलिटिकल पार्टियां ऐसा पॉलिटिक्स करती हैं, अगर सारी पॉलिटिकल पार्टियों ने ध्यान दिया होता, ये किसी का ध्यान भटकाने का काम नहीं कर रही है, ये केवल वोटरों का ध्यान भटकाने का काम कर रही है। अम्बेडकर साहब भी काफी परेशान थे दलितों की जिस तरह से अनदेखी होती थी, उन्होंने जो है इसीलिए बौद्ध धर्म अपनाया और उन्होंने एक शपथ पत्र दिया था, उन्होंने कहा था कि मैं शपथ लेता हूँ किसी भी मूर्ति की मैं पूजा नहीं करूंगा, मैं शपथ लेता हूँ इंडियन की पूजा नहीं करूंगा। तो अब क्वेश्चन यही हो गया कि जब बाबा साहब अम्बेडकर, मैंने बोला कि नाम और इन सब चीजों से जो महान हस्तियां हैं बाबा साहब अम्बेडकर वगैरह, उनको नाम और इन सब चीजों से, प्रतिमाओं और मूर्तियों से, उनके काम के ऊपर वो उस सीमा को लांघ गए होते हैं। जब बाबा आप खुद बोल रहे हो बाबा साहब अम्बेडकर ने बोला कि मैं कभी किसी मूर्ति की पूजा नहीं करूंगा, तो मैं बोलता हूँ कि फिर मूर्ति को लेकर इतना हुआ क्यों खड़ा कर रहे हो? काम आप कहीं कर नहीं रहे हो, आप काम के ऊपर अगर इतना फाइट कर लो, विकास के ऊपर
किसी भी मुख्यमंत्री या मंत्री ने कभी ये नहीं बोला कि ये रोड पे गड्ढा पड़ा हुआ है, हम इसके लिए अनशन देंगे, वो करेंगे। ऐसी छोटी छोटी चीजें हो जाती हैं, पूरे पब्लिक को उसी में एंगेज कर लेते हैं, फिर ये दंगे के रूप में ये कन्वर्ट हो जाता है। तो ये पॉलिटिशियंस की अपनी पॉलिसी है, ये स्वार्थ से भरी हुई पॉलिटिक्स है कि जब हम जीतेंगे तो जी पूरे टाउन को। महान हस्ती की अगर मूर्ति को नुकसान पहुंचाया जाएगा तो समाज के लोगों को या उससे जुड़े लोगों को दिक्कत होगी, बुरा लगेगा। नहीं नहीं नहीं, मैं इस तोड़ा क्यों जा रहा है, सबसे बड़ी बात तो मैं इस चीज का समर्थन नहीं करता हूं कि किसी मूर्ति को तोड़ा जाए, लेकिन क्वेश्चन ये है, आप इसके ओरिजिन में जाइए। अगर मूर्ति को तोड़ना गुनाह है, मैं मानता हूं गुनाह है, तो जब कोई एक गवर्नमेंट आती है तो क्यों सारी योजनाओं का नाम जो आपने अभी बोला अपने एक सिलेक्टिव आदमियों के ऊपर करना शुरू करेगी, क्यों सब जगह एक ही चीज की मूर्ति बनना शुरू हो जाएगी। देखिए, जब आप समाज में सत्तासीन होते हैं ना, तो समाज के हर छोटे से छोटे तबके की जिम्मेदारी आपकी होती है। आप एक सिलेक्टिव जगह पे मूर्ति का उद्घाटन करने जाएंगे, लेकिन दूसरे समाज में अगर भेदभाव की एक नजीर है, भेदभाव की एक नजीर है, पॉलिटिशियंस यही करते हैं। अशोक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नेता बीजेपी, स्वागत है आपका। मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि आपको दलितों की, पिछड़ों की फिक्र नहीं है, आप बाबा साहब को रामजी बनाने में लगे हैं। मायावती जी आजकल खाली हैं, कुछ भी कह सकती हैं, अगर वो इतने बड़े खाली नहीं, 19 को लेकर बड़ी रणनीति बना रही हैं। स्वाभाविक है, बनाना चाहिए, और राजनीति में है, राजनीति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो बनाने में कोई हरेज नहीं है, करना भी चाहिए। और मैं इसलिए खाली बोला क्योंकि उनको उत्तर प्रदेश की जनता ने 4 बार अवसर दिया, वो चौथी बार भी मुख्यमंत्री बनी। पहले तो भारतीय समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों मिलकर सरकार बनाए, उसके बाद फिर हमारे सहयोग से भी 2-3 बार बनी, और एक बार पूर्ण बहुमत की सरकार उनके उत्तर प्रदेश में बनी। सिवाय अगर आप नोएडा में घूमें तो हाथियों के सूंड दिखाई देगा और पत्थर दिखाई देते हैं, आप लखनऊ में जाएं तो वहाँ भी यही दिखाई देता है, परंतु मेरी बात पूरी कर लीजिए, परंतु उंगलियों पे भी गिन के 2-4 ऐसे दलित को नहीं बता सकते जिसका जीवन उद्धार किया हो उन्होंने। अब अगर अंबेडकर जी के नाम के आगे उनके पिताजी का नाम लगा रहे हैं तो वो महापुरुष हैं, वो किसी पार्टी के नहीं हैं, और कोई हम उनका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हम लोग जब चुनाव लड़े तो हमने अंबेडकर जी के कोई नाम का इस्तेमाल नहीं किया, फिर भी हम सरकार में आए, और सरकार में ही नहीं आए, यहाँ तक आए कि उत्तर प्रदेश में 73 की 73 जितनी सीटें हम लोगों ने जीती हैं और उसमें जितनी भी सुरक्षित सीटें हैं उन सब के सब सुरक्षित सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीती। अम्बेडकर साहब की मूर्तियों को उत्तर प्रदेश के अंदर नुकसान पहुँचाया जा रहा है, इलाहाबाद और सिद्धार्थनगर में अभी पहुँचाया गया, पहले भी मेरठ और इसके अलावा अलीगढ़ में उनकी मूर्ति को नुकसान पहुंचा गया। उनका कहना कि बीजेपी की शह पर ये सब कुछ हो रहा है। अभी तो आप भी बहुत समझदार हैं, जानते हैं कि किसको फड़फड़ाहट है सरकार में आने का, और अपने संगठन जो खो गया उनका, जो खोखली पॉलिटिक्स था उनका दलित के नाम पे, वो लोग समझ गए, अब वो चला गया, अब वो भावनात्मक बातें कर रही हैं, भावनात्मक प्रयास कर रही हैं। अभी आपको याद होगा सहारनपुर में भी एक घटना हुआ था जिसमें जो रावण के अध्यक्ष हैं, और जो भीम सेना का जो अध्यक्ष है रावण, उसी के लोग वहाँ पे दलितों की मूर्ति तोड़ते हुए नजर पाए गए। तो अपने आप में बैठ के दलितों के बीच में अपनी ही मूर्ति तोड़वाने का काम मायावती जी कर रही हैं, जिससे कि उनको दलितों की सहानुभूति मिले। और ये अभी क्यों हो रहा है भाई, हम तो सरकार में हैं, कि आपकी सरकार है, आप प्रशासन सख्ती नहीं कर रहा है, मूर्तियां टूट रही हैं, अगर सख्ती से काम करता तो फिर ये इस तरह की ना टूटे कार्रवाई, अगर सख्ती से करते वो, ये शह दी जा रही है। देखिए, अब उनको बोलना है क्योंकि वो खुद ही कर रही हैं, खुद ही चिल्ला रही हैं। अब जब फूलपुर आरोप आपके ऊपर लग रहे हैं, अब देखिए वो आरोप लगाने से तो नहीं मानेंगे। लेलन में भी लेलन की मूर्ति तोड़ी गई, वहाँ भी आपके ऊपर आरोप लगा। देखिए, एक बात तो हमेशा ये मिलता है, जब हम कहते हैं कि हम 125 करोड़ के साथ लेके चल रहे हैं, हमारे यहाँ दलित की राजनीति नहीं है, हमारे यहाँ कभी कभी हम लोग हिंदुत्व के आइडियोलॉजी पे बात करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि पूरे वर्ल्ड में एक हमारा ऐसा हिंदुस्तान है जिस पे हिंदू का अधिकार भी है और हिंदुओं के लिए एक बचा हुआ है। आज दूसरे देशों में भी अगर हिंदुओं पर कोई अत्याचार होता है तो भारत की तरफ आता है, और हिंदू एक ऐसी धर्म है, ऐसी एक जाति। आपको तो सारे धर्म को लेकर, अब आप मेरी मुझे पूरा कर दीजिए, मैं उसी में। और हिंदू एक ऐसा धर्म है, एक विचार है जो अपने अंदर में सबको समाहित करता है, किसी को अलग नहीं करता। आप देख लीजिए, जहाँ 90% 95%
या 99% हिंदू हैं, वहाँ भी एक मुस्लिम एक ईसाई एक सिख रख लेता है, लेकिन जहाँ पे भी थोड़ा सा कम हो गया वहीं वैसी स्थिति क्यों आती है? क्योंकि आप इस बात को मानते हैं? देखिए, दूसरे धर्म के लोग कहीं पर रह रहे हैं तो वहाँ हिंदू धर्म के लोग नहीं रह सकते। देखिए, मैं ये मान ये सोच है, ये मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है। आप जम्मू कश्मीर का उदाहरण ले लीजिए, आप पश्चिम बंगाल का ले लीजिए, जहाँ पे भी ऐसी स्थिति आती है आखिर वो उन्हीं की जगह पे क्यों आती है, आप मुझे बता दीजिए। आप नोएडा में हैं, तो आप ये मानते कि अल्पसंख्यक जहाँ पर बहुसंख्यक है वहाँ बहुसंख्यक को जो दूसरे देश में वहाँ रहना मुश्किल पड़ रहा है? देखिए, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आप मैं फिर बोल रहा हूँ, बीजेपी मानती है। आप मेरे जुबान पे अपने शब्द को डालना चाहते हैं, आपकी बात कह रहा हूँ मैं, वो बोलना नहीं चाहता जो आप डालना चाहते हैं, लेकिन आपके यहाँ दर्शक देख रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान देख रही है कि जब 99% बहुसंख्यक के साथ 1% अल्पसंख्यक रह सकता है, तो 60% अल्पसंख्यक के साथ, जिसको आप अल्पसंख्यक कह रहे हैं, उनके साथ 40% हिंदू क्यों नहीं रहता, वहाँ से प्लान क्यों करता है? नंबर दो, ये चीज़ें हमारे लिए नहीं है, क्योंकि हमने जितना सम्मान हिंदू को दिया है उतनी सम्मान सिख को दिया, ईसाई को भी दिया, बहुत जैसे ईसाई बहुत सारे क्षेत्र हैं। सरकार का फर्ज है देना भी चाहिए। आऊंगा मैं आपके पास। क्या लगता है, जो आरोप लगा रही है मायावती जी, कह रही है कि बीजेपी सरकार आने के बाद से ये फसाद कुछ ज्यादा हो रही है? नहीं, ये तो आप देखिए देश की जनता के सामने, जब से गठबंधन हुआ तब से दंगे वहाँ ज्यादा बढ़ गए। वही कह रहा हूँ, ये आप ये जग जाहिर है, इस चीजों में बताने की जरूरत नहीं है, सच्चाई है, ये एक देश की सच्चाई है कि जब भारतीय जनता पार्टी RSS सरकार के अंदर आती है, इस तरह का दबाव वो हमेशा एक बनाती है, चाहे अल्पसंख्यकों, चाहे पश्चिम बंगाल में तो नहीं है? नहीं, तो वहाँ सरकार में कहाँ है, तो वहाँ क्यों हो रहा है? पश्चिम सवाल ये, बीजेपी की सरकार नहीं, वहाँ दंगे क्यों हो रहे हैं? वहाँ दंगे का रीजन कुछ और होगा, अलग अलग एरिया का, मगर जो मोटे तौर पे हम बात कर रहे हैं, आज आपने दलितों की बात की, मैं उस पर जवाब देना चाहूँगा। दलितों को जरूर ये एक बात केवल मेरे कहने से या किसी दूसरे हमारे प्रवक्ता के कहने से नहीं है, ये पूरे एक जाहिर बात है, ये जाहिर सी बात है कि इस तरह का इनका हिडन एजेंडा रहता है, और उस हिडन एजेंडे से इसलिए वो रहता है एजेंडा क्योंकि विकास के ऊपर ये लोग बात नहीं करते। विकास के ऊपर, काम के ऊपर अगर कोई सवाल पूछे जाएं तो हमारे आदरणीय अमित शाह जी कहते हैं कि आप बेरोजगार हैं तो पकौड़े तलें। देखिए ना, जब आप बात करते हैं किसी, जब प्रधानमंत्री कहते हैं, अमित शाह एक ही बात है, और जिस भी तरह की कोई भी चीज़ों पर हम अगर राष्ट्रीय समस्याओं पर बात करें तो इनके अपने अलग फार्मूलाज हैं। और मैं मैंने अभी आपसे पहले भी क्वेश्चन पूछा, दोबारा पूछता हूँ कि आज अम्बेडकर साहब का नाम बदल रहे हैं, योगी साहब अपने पिताजी का नाम क्यों नहीं लगाते? मोदी साहब अपने पिताजी का नाम क्यों नहीं लगाते? पिता का नाम लगाने में इतना क्यों, क्या नहीं, कारण क्या है? ये ध्यान भटकाने की राजनीति है। मैं पूछता हूँ इसकी जरूरत क्या है, इन फालतू कामों की जरूरत क्या है, मैं ये पूछता हूँ। आप बताइए कितनी सड़कें आप बना रहे हैं। लेकिन नाम बदलने से बेहतर है, उनका कहना है नाम बदलने से बेहतर है कि काम किया जाए धरातल पर, उन लोगों के लिए काम किया जाए, तबके के लिए काम किया जाए। देखिए, मुझे लगता है जब कांग्रेस के बंधु बोलते हैं तो कुछ हंसी भी आ जाती है आपके चैनल पे। ये वही लोग हैं जिन्होंने चुनाव में अम्बेडकर जी को चुनाव हरवाया, ये वही लोग हैं जो 62 साल राज्य करने के बाद भी उनको भारत रत्न नहीं दिया। हमारी सरकार जब अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में बना था तो हमने उनको भारत रत्न से नवाजा। ये काम कांग्रेस भी कर सकती थी लेकिन कांग्रेस ने किया नहीं। कांग्रेस ने जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, इसके नाम पे, उसके नाम पे इनको भटकाया है, देश को पिछड़ा किया है, ये शिक्षित ना हो जाए या तो किसी से मजबूत ना हो जाए। अगर ये इतने बड़े हितैषी थे तो इन लोगों को चाहिए था कि चुनाव में उनको जिताते, चुनाव इन्होंने हरवाया। और मैं नहीं बोल रहा हूँ, जिस मायावती जी के साथ आजकल इनके गुप्तगु हो रहे हैं, जिस संगठन में मिल के ये लोग भारतीय जनता पार्टी को हराने का सपने देख रहे हैं, वही मायावती जी ये बात बोलती हैं, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं बोल रहा है। रिपब्लिकन पार्टी देख लीजिए या और भी दलितों के संगठन देख लीजिए, सब ये कहते हैं कि अगर सबसे ज़्यादा किसी ने अम्बेडकर जी का नुकसान किया तो कांग्रेस ने किया है। दूसरी बात, अभी हमारे मित्र कहते हैं वहाँ उनकी सरकार नहीं है, यूपी में कहते हैं कि इनकी सरकार है। कुल मिला के ऊपर ये आरोप लगते हैं कि दलितों के शोषण करने के आरोप लगते हैं, जिस तरह से गुजरात में कई मामले हैं, दलितों को मारा पीटा गया, कई और राज्यों से आया, उत्तर प्रदेश का सहारनपुर का जो आपने खुद जिक्र किया, आपके पार्टी के नेताओं के ऊपर आरोप लगे, सांसद के ऊपर आरोप लगे, तो ये आरोप क्यों आखिर आप ही की पार्टी के ऊपर लगते हैं? देखिए, मैं दो चीज़ों का इसमें जोड़ना चाहता हूँ। राहुल गांधी जी दोस्त बनाते हैं हार्दिक पटेल को, और दो चार नौजवान जो जाति के नाम पे यहाँ पे राजनीति करते हैं, और आपके प्रधानमंत्री जी दोस्त बनाते हैं जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, रूस के राष्ट्रपति हो, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हो, ऐसे लोगों से।
अब इनका और हमारा स्तर सोच लीजिए, क्योंकि ये और कुछ करना नहीं चाहते। ये जानते हैं कि सीधे सीधे मोदी जी से हम विकास के मामले पे या वैसे डिबेट करके नहीं आ सकते, इसलिए ये हरियाणा में जाते हैं तो जाट की राजनीति करते हैं, जब ये गुजरात में जाते हैं तो वहाँ पे दलित और कुर्मी की राज पटेल की राजनीति करते हैं, जिस प्रदेश में जाते हैं आप महाराष्ट्र में गए। तो ऐसा क्या होता है जहाँ आपकी सरकार होती है वहाँ पर ये जिक्र होता है? आप मेरी बात, मैं आप ही के पास, हाँ, मेरी से बात बिल्कुल। और जब आपकी सरकार होती है वही क्यों जिक्र? नहीं नहीं, हम बता रहे हैं जहाँ महाराष्ट्र जाते हैं दूसरी बात करते हैं। कुल मिला के क्या है कि इनकी जो आइडेंटिटी था, इनका जो विश्वसनीयता था जनता के बीच में, ये खो चुके हैं। इनके पास कुछ है नहीं सिवाय बैठ के ये सब काम करने का। और एक बात और बता दूं, ये लाख प्रयत्न कर लें, कुछ कर लें, देश की जनता सब कुछ जानती है और उसको पता है कि मुझे क्या करना है। इनके कुछ करने से फर्क नहीं पड़ने वाला। चलिए, कई सीटों उपचुनाव हुए थे, वहाँ नतीजे भी कुछ और आए थे। आप बताइए कि देश की राजनीति कहाँ पर जा रही है? कभी मूर्ति तोड़ी जाती है, कभी कहीं सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं, कहीं धर्म और जाति के नाम पर बयानबाजी नेताओं की तरफ से की जा रही है। क्या इससे देश का भला होगा हमारे? नहीं नहीं, इससे देश का भला नहीं होगा। ये मतलब बिल्कुल खराब रणनीति है। लेकिन मैं गवर्नमेंट से ये बोलना चाहूँगा कि जैसे मोदी खुद बोलते हैं कि इंश्योरेंस कराओ, होम लोन हम दिलाएंगे। लेकिन मैं पिछले 3 महीने से दिल्ली से मैं गुड़गांव यहाँ पे सॉरी नोएडा आ रहा हूँ। पिछले 3 महीने से डेली हर तीन बार हर हफ्ते यहाँ पे डाल रहा हूँ। लेकिन मेरा ऑलरेडी सारा डॉक्यूमेंट जमा कर लिया आवास फाइनेंस ने और मुझे लोन सेंक्शन हो चुका है, लेकिन मुझे लोन का चेक नहीं मिल रहा है। मैं हर डेली परेशान हूँ। कितना वक्त हो गया परेशान होते हुए? 3 महीने हो गए ऑलरेडी। मेरे पास ऑल प्रूफ है और ऑलरेडी मैंने एक हेल्थ इंश्योरेंस कराया था, जो ऑलरेडी मेरी वाइफ एडमिट हुई थी। उसके बाद जोन डिडक्शन कर लिया, जो मुझसे बोला गया कि ऑलरेडी कोई डिडक्शन नहीं होगा। जवाब बीजेपी नेता उनसे लूंगा, लेकिन मैंने उस सवाल पूछा, क्या धर्म और जाति की राजनीति बीजेपी सरकार आने के बाद ज्यादा बढ़ गई जो विपक्षी पार्टियां कहती हैं, या ऐसा नहीं है? नहीं, बदनाम करती है। बीजेपी ऐसा नहीं कर रहा है। हाँ, अदर बदनाम कर रहे हैं। हाँ, अदर बदनाम कर रहे हैं बस, और कुछ। चलिए एक सवाल है, चलिए बाद में पूछूंगा। एक मिश्रा जी, अब सवाल यह है कि इस तरह की राजनीति करने से देश का या लोगों का क्या भला होगा? नाम बदलने से विकास नहीं होगा, विकास करने से ही विकास होगा। नहीं देखिए आसिफ, मैं आपको बताना चाहूँ, एक बार सत्ता में आ जाने के बाद जितने पॉलिटिशियंस हैं उनको किसी तरह की सुख सुविधा की कमी तो होती नहीं है। ये सबसे दुर्भाग्य की बात है कि 5 साल में 70-80% इनका टाइम केवल पॉलिटिक्स में अपने आप को बचाने में और अपोजिशन की जो है अपोजिशन के ऊपर आरोप लगाने में चला जाता है, लड़ने और झगड़ने में। मैं इसीलिए बोलता हूँ कि ठीक है विकास सब ने किया, लेकिन 100% अगर कंसंट्रेट होकर इन्होंने विकास किया होता तो शायद हम भी चाइना अमेरिका वगैरह से आगे रहे होते। ये सारी की सारी चीज़ें केवल एक पॉलिटिकल स्टंट होती हैं जिसमें पक्ष विपक्ष कहीं ना कहीं किसी तरीके से मिला होता। आप ये देखिए, 1 महीने का आप टाइम टेन्योर ले लीजिए, कितनी बार आरोप प्रत्यारोप लगते हैं और कितनी बार विकास की बातें होती हैं। लॉजिकल कोई भी पार्टी विकास, जबकि चाहिए इनको कि डेली बेसिस पे ये विकास की बात करें, हेल्दी बातें करें, कंट्री के डेवलपमेंट और ग्रोथ की बातें करें, लेकिन इस तरह की बातें कभी होती ही नहीं। न पक्ष करेगा न विपक्ष करेगा और जाकर के मामला यहीं अटक जाएगा कि कहीं कुछ हो गया जी, कहीं कुछ हो गया। फिर विकास कैसे होगा जब धर्म के नाम पर बात होगी, चर्चा होगी, जात के नाम पर होगी, मूर्ति के नाम पर होगी, नामकरण के नाम पर होगी, तो फिर विकास की बात कौन करेगा? आरोप भी उसी पर लगेंगे, प्रत्यारोप भी वही होगा। आप देख लीजिए हम कर रहे हैं, अब कैसे कर रहे हैं सुन लीजिए। 6.5 करोड़ जनता को हमने LPG गैस दिया, ये पिछली सरकार भी दे सकती थी, लेकिन बड़े लोगों से सब्सिडी लेके निवेदन करके हमने जनता के बीच में दिया। दर्शक साहब, मैं आपकी आप बात रखना, अभी दर्शक साहब एक हमारे कह रहे थे कि इंश्योरेंस के लिए मैं चक्कर काट रहा हूँ, सारे डॉक्यूमेंट दे दिए और मुझे लोन नहीं मिल पा रहा है, नीरव मोदी को मिल गया। आप पहले मेरी बात पूरी कर लीजिए, मैं नीरव मोदी का भी दूंगा, विजय माल्या उसी पर आएंगे, मैं विजय माल्या का भी दे दूंगा साथ साथ। बाद में आपके मन में ये आएगा कि भाई उनके बारे में हमने नहीं पूछा। अब आप देख लीजिए, हमने जनधन योजना खाते खोले, इसमें कोई अमीरों का तो नहीं था, वही दलित, वही गरीब, वही मजदूर जो पिछड़े हुए थे, हमने 20-21 करोड़ ये खाते खुलवाए। हमने बेटी बचाओ बेटी आंदोलन किया। हमने देखो जगह जगह पे सड़कों का निर्माण हो रहा है, तरह तरह की बातें हो रही। अब हमने प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक हेल्थ बीमा दिया अभी। अब मैं आपको रोकूंगा, आपको बुरा लगेगा, अब आपको बुरा लगेगा, मैं सड़कों के नाम से क्या आगे सवाल नहीं, मैं चाहता हूँ उस जितनी बात नहीं, बुरा नहीं, नहीं मुझे देखिए, आप सड़कों की बात, मैं आप अपनी बात, मेरे सवाल के साथ आपने सड़कों की बात की ना, सवाल की बात, सड़कों आपने कहा था गड्ढा मुक्त हम सड़क कर देंगे उत्तर प्रदेश के अंदर,
अगर ये नामकरण की बात ना हो, अगर मूर्तियां ना टूटें और धर्म और जात के नाम पर ना हो, तो शायद गड्ढा मुक्त अब तक हो चुकी होती उत्तर प्रदेश। देखिए ये बात आपने बिल्कुल सही पूछा, ये बात तो मैं आपको कह रहा हूँ जब से, कहाँ गड्ढा मुक्ति, क्योंकि ये देखिए जो गड्ढा मुक्ति हम लोग करने पर निकले हैं और जिन लोगों ने इतने बड़े बड़े गड्ढे खोदे हैं वो तो चाहते ही नहीं ना कि ये काम करें। ये तो जगह जगह बैठ के धर्म के नाम पे, इसके नाम पे, दलित के नाम पे राजनीति करना चाहते हैं और कई किसी मुद्दे पे सरकार को घेरना चाहते हैं, उनको उलझाए रखना चाहते हैं। ये बात तो मैं कह रहा हूँ कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और ये बनने के बाद ही, जब अब दो चुनाव हो रहे थे फूलपुर और गोरखपुर में, उस समय आपको देखा कई जगह मूर्तियाँ तोड़ी गई, आज कहाँ गए वो लोग? ये इस समय किसने मूर्ति तोड़ी? आपको सब पता है, मैं पता, हमें तो कुछ नहीं पता, किस कितनों को सजा कह दिया सरकार आपकी, प्रशासन आपके, मैंने तो कह दिया। आप मुझे बता दीजिए ना कि जो सहारनपुर में दंगा हुआ था और जो लोग बीजेपी को आरोप लगा रहे थे, बाद में क्या निकला? वही कांग्रेस के इमरान, बाकी सजा दिलाना आपका काम था, आपकी सरकार है। अगर आप कह रहे हैं फूलपुर और यहाँ पर अगर मूर्तियों को नुकसान पहुँचाया गया, आपको लाना चाहिए सामने, हमें बदनाम करते हैं, मूर्ति आप तोड़ते, लाइए आप सामने। आप ये बता दीजिए जो भीम सेना के जो अध्यक्ष हैं, रावण क्या नाम है उनका, उसको हमने सुनिए, हमने जब उनको गिरफ्तार कराया था तो मायावती जी वहाँ पहुँची थी और सारी पार्टी के लोग पहुँचे थे और ये दिखाने के लिए थे कि हम गलत हैं। दरअसल है क्या, सच तो यही है कि जो लोग दलितों के नाम पर राजनीति करते हैं, अपने ही दलितों की मूर्ति वही लोग तोड़वाते हैं और नाम भारतीय जनता पार्टी के करते हैं। ये हम सबको सोचना भी चाहिए, समझना भी चाहिए और देखना भी चाहिए। चलिए, आरोप लगता है कि बीजेपी को बदनाम करने के लिए सब कुछ किया जाता है ताकि बीजेपी सवालों के घेरे में आ जाए। मैं आपसे कह रहा हूँ, केवल एक चमत्कारिक पार्टी कैसी है भारतीय जनता पार्टी कि सारी पार्टियां मिलकर एक पार्टी के पीछे पड़ी है और उसको उसके खिलाफ साजिश भी करती है, झूठी मूर्तियां भी तोड़वाती हैं, राम का नाम भी हम ही लेते होंगे, कसम भी हम भी खाते हैं, रथ यात्रा भी हम निकालते हैं, टाट में रामलला बैठे हैं वो भी हमने बैठा रखे हैं। आप बताइए दिल्ली के अंदर, नहीं दिल्ली में केंद्र में इनकी सरकार है, आप बताइए ना, और यूपी में सरकार है, अब क्या तकलीफ है? 5,000 करोड़ रुपए का ये भवन बना के, ठीक है, राम भारतीय जनता पार्टी के तो नहीं है ना, राम कांग्रेस के भी है, आप मुझे बताइए ना, रामलला टाट में बैठे हैं। अच्छा, सारी दुनिया कॉन्स्पिरेसी बीजेपी के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करती है, ये कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं करते, सारी कॉन्स्पिरेसी करने वाली पार्टी और जमात का नाम आरएसएस है। जनाब, कांग्रेस तैयार है क्या राम जन्मभूमि मनाने के लिए? पूछिए के खिलाफ भाई, ये राम बिल्कुल, वो तो मामला कोर्ट, ये तो बीजेपी का मामला कोर्ट नहीं चाहिए, नहीं कोर्ट डिसाइड करे और वो बने, क्या दिक्कत है? आपने इतना पैसा इकट्ठा किया था, कहां है वो पैसा? शिलादान लिया था, कहां है पैसा वो? मैं पूछना चाहता हूं, मामला कोर्ट है, बीजेपी का पैसा कहां है? मैं आपको बताता हूँ, राम मंदिर पे सारी पार्टियों का, एक मिनट सुनिए, उधर मत ले जाइए, हम बात दूसरी फिर दिशा में, वो मामला कोर्ट का जब फैसला आएगा उसके बाद करेंगे। अब बीजेपी या फिर कांग्रेस एक बात कहते कि हमें बदनाम करने के लिए सब कुछ कहा करा जा रहा है, हम सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। नहीं देखिए, क्वेश्चन ये नहीं है आसिफ, मैं आपको बता दूं, अगर आपकी सरकार है तो आपकी ये अटमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि दंगे ना हो, ऐसी अप्रिय घटनाएं ना हो, तो आप इसको क्यों नहीं रोक पाते हैं? अगर आप पावर में हैं और यही चीज आप बोल के आए थे कि हम सुशासन स्थापित करेंगे, हम दंगे नहीं होने देंगे, हम अप्रिय घटनाएं नहीं होने देंगे, तो आप अगर शासन में हो तो ये आपकी जिम्मेदारी है, आप रोकिए उसके लिए विपक्ष। देखिए, शरारती तत्व जो है, मैं ऐसे लोगों को शरारती तत्व बोलता हूँ, वो अशांति फैलाने की कोशिश करेंगे, उनको जो है मोटिवेशनल फैक्टर या इंडिकेशंस कहीं से भी मिल सकते हैं, कोई राजनीतिक पार्टी दे सकती है या उनके खुद के दिमाग में ये चीजें आ सकती हैं शरारत करने के लिए, तो आप इसको नहीं रोक पाते हैं तो ये आपकी विफलता है। अब देखिए, एक चीज मैं आपको और इसका जवाब ले लूं, आप रोक नहीं पा रहे हैं, जिम्मेदारी आपकी बनती है जिसकी सरकार होती है, लेकिन बिहार में जब से गठबंधन हुआ और बढ़ गया, रोकना तो दूर की बात। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है कि हम लोग रोक नहीं पा रहे हैं, और जहाँ जहाँ भी सरकार, देखिए उत्तर प्रदेश में भी कई बार ऐसी चीज़ें हुई, वहाँ सरकार तुरंत तत्पर होकर रोकी, यहाँ तक कि जो DG वगैरह सब जाके बैठे, लेकिन शरारत तत्व तो सामने होके आते नहीं ना, ये तो रात को जाके मूर्तियों को तोड़ते हैं और उनके जो लोग तोड़वाते हैं वही लोग उनका प्रोटेस्ट करने बचाने, कार्रवाई नहीं होती ना, सवाल फिर नहीं है, ऐसा नहीं है कार्रवाई नहीं होती। बिहार में कई नेताओं के बच्चों के ऊपर मुकदमे दर्ज हैं लेकिन गिरफ्तारी नहीं हो रही है, ऐसा नहीं है। आप जिस सरस्वत जी की बात कर रहे हैं वो कोर्ट में सरेंडर भी कर चुके हैं, आप एक बार जाइए वहाँ, और उन्होंने कहा, देखिए मेरी बात सुन लीजिए, आप बीजेपी को अपराधी कहाँ बना देते हैं? सारस्वत जी का मामला है, जो अश्विनी चौबे जी के बेटा है, मैं जानता हूँ आप उनकी तरफ इशारा कर रहे हैं, उनका अपराध क्या है? अगर उन्होंने भारत माता की जय बोला, वंदे मातरम जय बोला, गलत बोला क्या? हमने भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह नहीं बोला, हमने पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं बोला,
भारत मुर्दाबाद नहीं बोला। अगर वंदे मातरम बोलना, भारत माता की जय बोलना अगर अपराध है तो आप एक बार नहीं 10 बार सवाल इस भी बोलेंगे। सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि गठबंधन के बाद से वहां पर दंगे फसाद बढ़ गए। नहीं, ये तो आप सोच लीजिए ना, जब भारतीय जनता पार्टी, सुनिए, भारतीय जनता पार्टी की वहां पे 10-12 साल तक सरकार रही, हम और नीतीश जी रहे, तब भी नहीं बढ़ा। अभी भी पिछली बार जब आरजेडी वाले ये रहे, ये आरजेडी के अलग होने के बाद और कांग्रेस के अलग होने के बाद ही क्यों हो रहे हैं, ये आप सोचिए। ये यही लोग करा रहे हैं, सरकार में आपके जुड़ने के बाद नहीं हो रहे, सरकार में आपके जुड़ने, नहीं, सरकार की जिम्मेदारी तो आपकी है उसको रोकना। नहीं नहीं, ये कर रहे हो, ये क्या सोच रहे हैं, ये कार्रवाई बिल्कुल रोक रहे हैं। सरकार की जिम्मेदारी केवल ये नहीं होती है कि आप ये बोल दो कि वो विपक्षी पार्टी करा रही है, आपके पास पुलिस है, आपके पास पावर है, आप क्यों नहीं एक्शन लेते हो, क्यों इन चीजों की बार बार पुनरावृत्ति होती रहती है, केवल ये बोल के कि जी ये विपक्षी पार्टी का खेल है, वो हार गए हैं इसलिए करा रहे हैं और जनता पिस रही है। निरीह लोग, निर्दोष लोग दंगों में मारे जाते हैं, नेता लोग नहीं मारे जाते हैं। बड़े आराम से नेता लोग ये बोल देते हैं कि जी ये तो विपक्षी पार्टी का खेल है, वो लोग हार गए हैं इसलिए करवा रहे हैं। सरकार को अपनी जिम्मेदारी तय करनी होगी और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी पॉलिटिक्स और इन सब चीजों से ऊपर उठ करके, जहां पे एक जन सामान्य की बात आती है। अभी ये बीजेपी वाले भाई साहब बोल रहे थे कि हमने 6.5 करोड़ जो है गैस सिलेंडर जो है बंटवाए हैं। अब आप जरा इसकी भी देखो, 100 करोड़ की आबादी में आपने 6.5 करोड़ गैस सिलेंडर दे दिए तो पूरे हिंदुस्तान का विकास हो गया, सारी महिलाओं का विकास हो गया। चुनाव खत्म हुआ उसके बाद से जितने होर्डिंग्स थे, प्रमोशन थे, पता नहीं अभी ये गैस सिलेंडर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। और भी गैस सिलेंडर के बाद फिर गैस की जरूरत भी पड़ती है, डेवलपमेंट उसके एक बार की नहीं, फिर गैस की जरूरत भी पड़ती है, कहां से पैसा, जितना नहीं जितना डेवलपमेंट हो। मैं ये मेरे कहने का मतलब ये है, आपने जितना वायदा किया, आप कांग्रेस के हिसाब से अपने आप को मत देखो ना। आप हर बार ये बोल देते हो कि जी कंपैरिजन कांग्रेस से करते हो, मैं मानता हूँ कांग्रेस बुरी थी, कांग्रेस ने इतना किया, आपने तो बड़े लंबे लंबे चौड़े चौड़े वादे और प्रॉमिसेस कमिटमेंट किए थे। आपने जो कमिटमेंट किए थे उसके अगेंस्ट आपकी परफॉर्मेंस क्या है, आप इस पैरामीटर पे देखिए। इसका भी जवाब जनता जानना चाहती है। कपिल हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। कपिल, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कई मामले सामने आए हैं, मूर्तियां बाबा साहब की उनको नुकसान पहुंचाया गया है, दलित समाज के लोग काफी ज्यादा परेशान है, मायावती कहती हैं कि नामकरण कर रहे हैं, नाम बदल रहे हैं लेकिन दलितों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्या राजनीति का स्तर हमारा काफी गिरता जा रहा है? देखिए, राजनीति का स्तर तो इस लिहाज से देखा जा सकता है क्योंकि जब कोई भी पार्टी आती है तो आने के बाद वो बड़े बड़े वादे करती है। बीजेपी सरकार में आने से पहले उन्होंने बड़े बड़े लंबे लंबे वादे किए थे, एक भी वादा पूरा नहीं किया है। उससे पहले कांग्रेस थी, कांग्रेस गवर्नमेंट थी सेंट्रल गवर्नमेंट में, उन्होंने भी आने से पहले लंबे लंबे वादे किए, उसका भी एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी रही है, उसका भी वादा पूरा नहीं हुआ। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि वो जो सरकार है जो विकास का काम करेगी, वो सरकार कब आएगी, कौन सरकार है जो विकास का काम करेगी, कौन बेरोजगार को रोजगार देगी, कौन किसानों के हित की बात। धर्म और जाति के नाम पर बांटकर वोट पाना, सरकार बनाना, सत्ता तक पहुंचना ज्यादा आसान तरीका है। देखिए, अगर चुनावी विकास की तरह बात की जाए, देश के विकास की बात की जाए, प्रदेश के विकास की बात की जाए, तो उससे ज्यादा फर्क पड़ता है इन चीजों पे। अब चुनावी चीजों को लेकर के, धर्म और जाति को लेकर के जो है, उन चीजों का नहीं बंटवारा करना चाहिए। इन चीजों को लेकर के बंटवारा करना सही नहीं है, विकास की बात करनी चाहिए, चाहे पार्टी हो कोई भी हो, धर्म जाति के नाम पर जो है वोट बैंक नहीं बनाना चाहिए। देश कहां से कहां पहुंच गए, आज भी हम धर्म और जाति के ऊपर पड़े हैं, यही वजह है कि जहां पर हम खड़े हैं यहां पर भी गड्ढे हैं। नहीं देखिए, हमारा जो भारत अभी विकास कर रहा है, पहले आप पहले एक साल का देख लीजिए, 60 साल का इतिहास उठा के देख लीजिए आप, पहले आज का इतिहास उठा के लिए, हम सर झुका के विदेशों में भी जाते हैं। पहले क्या होता था, जब से मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर बने तब से क्या हो रहा है, सर झुका हमारा। अभी देखिए आप पाकिस्तान की हालत, उनके प्राइम मिनिस्टर का आप देखा होगा वीडियो, आपने वायरल देखा होगा। पहले हम जी नहीं सकते थे, विदेशों में हमारी कोई इज्जत नहीं होती थी, लेकिन आज के डेट में आप देख लीजिए हर एक चीज़ में। बिल्कुल, विदेशों में कितने लोग हैं जो देश के लोग यहाँ पर हैं, कम से कम उनके लिए भी कुछ होना चाहिए। हाँ, हो रहा है विकास, तो हो रहा है ना। जो अगर खोखला करके आप चले गए हैं, खोखला करके आप चले गए हैं, तो उसे भरने में तो टाइम लगेगा ना। बीजेपी काम कर रही है। हाँ, बीजेपी काम कर रही है। चलिए, बीजेपी काम जो बीजेपी काम कहाँ से कर रही है, जो किसान है वो लगातार आत्महत्या कर रहे हैं, उनका मूल्य नहीं मिल पा रहा है, आलू की फसल लोगों की बर्बाद हो गई है। ये इसीलिए होता है कि धर्म और जाति की राजनीति हो रही है, किसी को फिक्र ही नहीं है, किसान के सब्जियों को दाम नहीं मिल पा रहे हैं, आप नामकरण कर रहे हैं। दलितों की बस्ती में आज भी जाइए, कितना विकास हो गया आप देखिए, दलितों की बस्ती में गांव देहात क्षेत्र में जाइए, आज भी अछूत है। आज भी कई गांव ऐसे हैं कि दलित बैठकर खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, एक होटल पर भेदभाव किया जाता है। कहां खड़ा है हमारा समाज? वही आपसे संजीदगी से कह रहा हूं, केवल ये नहीं है कि हम विपक्ष हैं तो हम केवल इस बात मुद्दे के ऊपर बुराई करे जाएंगे। आज बुराई हम नहीं कर रहे,
आज भारतीय जनता पार्टी के सांसद उदित राज ने कहा कि मुझे शर्म आती है मैं इस पार्टी के अंदर हूँ और जिस तरह की बातें ये पार्टी करने में लगी है, इन्होंने कोई काम विकास के काम पर ध्यान नहीं है, दलितों के किसी चीज़ की मदद के, क्योंकि दलित भी एक वर्ग है ना और उस वर्ग के अंदर सबसे पिछड़ा वर्ग है, उसके लिए भी काम किया जाना चाहिए, आखिरी ये व्यक्ति के लिए भी काम किया जाना चाहिए। इनके इनकी पार्टी के सांसद ना केवल उदित राज बल्कि दो तीन चार और सांसद और जो इनके विधायक हैं वो अलग अलग क्षेत्र के अंदर खड़े होकर अपनी बात को कहने लगे हैं। आप देखें किस तरह का माहौल है, किस तरह की परेशानी, किस तरह का दर्द आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में है। केवल कांग्रेस की बात हम नहीं कर रहे और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में नहीं है, मैं कहूँगा दलित समाज के अंदर है। चाहे वो अलग अलग बात आप अभी गुजरात की कर रहे थे, हमारे भाई अभी हरियाणा की कर रहे थे, आप हरियाणा में जाकर के जब से ये बीजेपी की सरकार, दलितों के नाम पर, दलित के नाम पर वोट बैंक की राजनीति खूब हुई, वोट भी खूब पाया गया, उसको लेकर बयानबाजी भी हुई, लेकिन उनका विकास क्यों नहीं हुआ? आज भी ग्रामीण इलाकों में आप जाइए, शहरों की बस्ती में भी जाइए, बड़ा अंतर दिखाई देगा, आप देख के बस्तियां कह देंगे कि ये दलित समाज की बस्ती। विकास भी हुआ मगर मैं ये कहता हूँ कि ये और ज्यादा स्पीड से होना चाहिए, इस समाज को ऊपर उठाने की जरूरत बहुत ज्यादा है, इसके अंदर और स्पीड हमारी कोई भी सरकार हो, मैं इस बात से भी ऊपर उठ के कहना चाहता हूँ, सरकार का मतलब सरकार है, ये कौन सी पॉलिटिकल पार्टी राज करेगी इसको भी अपन छोड़ दें, तो सरकार को ऐसी नीतियां बनानी चाहिए कि दलित कोई भी व्यक्ति अगर सरकार में है तो वहाँ के अफसरों को देखिए नीति 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 गिनाने और बताने के लिए अगर मैं आपसे पूछूंगा आप भी दलितों के नाम पर बहुत नीतियां गिना देंगे और बता देंगे, बीजेपी भी बता देगी, लेकिन धरातल पर देखिए सच्चाई ये है कि उन बस्तियों का हाल आप जाकर देखिए, कितनी बेरोजगारी है, कितनी अशिक्षा है, कितने परेशान है वो लोग, लेकिन आज तक उधर ध्यान नहीं दिया। नहीं, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, ऐसा नहीं है कि ध्यान नहीं दिया गया, मगर आप समझिए कि ये जो भारत देश है इसके अंदर रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, इनके अंदर एक लिमिटेड रिसोर्सेज में आपने काम करना है, हर समाज के लिए फंड सेलो नहीं नहीं लिमिटेड है, मैं आपको अरे कोई लिमिटेड रिसोर्सेज नहीं है, इंडिया में इतने रिच रिसोर्सेज है कि इतने रिच रिसोर्सेज कहीं, मैं आपको एक टीवी पे मैंने बोला था डाटा आप देखिए, आज इंडिया की इकोनॉमी 2.83 ट्रिलियन हुई है और अमेरिका की 19 पॉइंट समथिंग है, 1947 से जितने भी घपले हुए हैं अगर उनकी सारे पैसों को आप जोड़ लीजिए तो 20 ट्रिलियन का जो है ये घपला हुआ है, घोटाला हुआ है, तो हम कहाँ से गरीब है, हमारे पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है, रिसोर्सेज का कब्जा कुछ इन्फ्लुएंशियल जो लेवल के लोग हैं, जो नेता हो गए, इन्फ्लुएंशियल पर्सन हो गए, सारा सिस्टम केवल उन्हीं के लिए वर्क करता है। इसका एक एग्जाम्पल देखिए, लुटियन जोन में कोई क्राइम हो जाए तो तुरंत पुलिस पहुंचती है, बाकी और कहीं जगह पे कोई मरता रहे तो ना कभी पुलिस पहुंचेगी ना एम्बुलेंस पहुंचेगी, सारा सिस्टम का जो केंद्रीकरण केवल एक इन्फ्लुएंशियल लोगों के इर्द गिर्द हो गया है, उन्हीं के लोगों को डेवलप करेंगे, उन्हीं के एरिया को डेवलप करेंगे, पब्लिक कोई भी हो, मैं केवल दलित की बात नहीं करता हूं, जो जहां पे है आप किसी भी वर्ग के जाइए, जिनकी जो स्थिति थी वही स्थिति रह गई 70 साल में, स्पीड ऑफ ग्रोथ देखिए, यहां क्वेश्चन ग्रोथ का नहीं है, मैं फिर बोलूंगा इतने होशियारी से सारी पॉलिटिकल पार्टियां पूरे पब्लिक को जो है गुमराह करती हैं, बीजेपी बोल देगी कि जी कांग्रेस ने 10 किलोमीटर सड़क बनवाई, हम 10.25 किलोमीटर की स्पीड से सड़क बनवा रहे हैं, अरे इतना रिसोर्सेज होते हुए जो आपने कमिट किया था, और अगर इंडिया को ग्लोबल पावर बनाना है तो स्पीड ऑफ ग्रोथ जो करंट है क्या वो सफिशियंट है, ये सोचने की बात है। हम पूछे कि कहाँ कहाँ कमी रह गई, बल्कि ये कहें कि हर जगह कमी रह गई। आप देखिए दलितों को लेकर, देखिए उनके पढ़ाई को लेकर, उनके आर्थिक विकास को लेकर, उनके सामाजिक विकास को लेकर, हर बराबरी में वो पिछड़ के रह गए हैं, और योजना गिनाने के लिए बताने के लिए सबके पास सब कुछ है, कहाँ कमी रह गई, हमारे देश की राजनीति किस दिशा में जा रही है, सरकारें कहाँ काम कर रही हैं? देखिए राजनीति से उठकर थोड़ा इसे ऊपर उठ के बोल रहा हूँ, क्योंकि हम सरकार में हैं, आपका पूछना भी जायज़ है, मैं बता भी रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे निवेदन करूँगा मुझे थोड़ा 2 मिनट समय दीजिएगा, आरोप 2 सेकंड का होता है लेकिन जवाब बहुत लंबा देना पड़ता है, संभल के भी देना पड़ता है और सही भी देना पड़ता है। तो मुझे जो मेरे मित्र बोले उस पर दुष्यंत जी की एक कविता याद आ गई, कुछ पत्तियां झड़ गई होंगी चमन को सींचने में शायद, यही इल्जाम है हम पर बेवफाई का, और पैरों तले जिन्होंने रौन डाला कलियों को, वही दावा कर रहे हैं चमन के रहनुमाई का, आज बड़े साफ गोई से हम पे आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जो चीज़ें अगर हम आज कर रहे हैं वो 62 वर्ष में पहले भी हो सकता था। नंबर आप सुन लीजिए कैसे हो रहा है, ये हम मैं नहीं बोलता, ये मेरे मित्र ही बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बनियों की पार्टी है, व्यापारियों की पार्टी है, इसकी पार्टी है, और दलितों पे, पिछड़ों पे, शोषितों पे और गरीबों पे ये अपना अधिकार बताते हैं। अगर ये हमारी पार्टी है तो हमको GST लाने की क्या ज़रूरत थी, ये तो हमने अपने लिए देश के लिए लाया ना, ये भी ला सकते थे, अगर ये गरीब GST से दलितों को क्या नहीं, आप सुन लीजिए, व्यापारी देखिए GST किसका, जो कर भरता है, व्यापार करता है उसके लिए,
अब जो आदमी कुछ करता नहीं उसके लिए जीएसटी से क्या मतलब है? उनको जीएसटी का कोई मतलब नहीं, लेना नहीं देना नहीं, वो पहचानते भी नहीं। दूसरा, हम नोटबंदी क्यों करते? हम घेराबंदी क्यों करते? हमने रिस्क लेके देश के प्रधानमंत्री जी ने ये सब काम किया, और लोग ये कहते थे, यहाँ तक कि हमारे यहाँ भी जो सलाहकार थे वो ये कहते थे कि इससे आपके पार्टी को नुकसान होगा। तब भी एक हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि हम नफा और नुकसान के लिए हम इस देश में सत्ता में नहीं आए, हम देश के मान स्वाभिमान और देश की तरक्की के लिए आए हैं, तब हम लोगों ने ये काम किया। अब मुझे एक बात बताइए, हमने कुछ नहीं किया, ठीक है, ये इनके कहने के अनुसार हमने कुछ नहीं किया, हमने जनधन का काम किया, इनके खाते में नहीं आता, हमने जनता के इंश्योरेंस का काम किया। धरातल पर कितने, एक मिनट सुन लीजिए, सर सर सुन लीजिए, ये कहते हैं हमने कुछ नहीं किया, हमने उज्ज्वला के मामले में जो गैस दिए वो नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया, हमने इस देश का मान सम्मान स्वाभिमान गिराने का काम तो नहीं किया ना। एक भी प्रधानमंत्री जी का काम बता दीजिए जिससे कि पूरे विश्व में भारत का स्वाभिमान गिरा हो, मैं 20 काम ऐसे गिना दूंगा। तो जिक्र कर रहा है कि मूर्तियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, सुन तो लीजिए, ये वही जिक्र है, ये दलितों को परेशान किया जा रहा है, वही सुन लीजिए, नीरव सुन लीजिए, नीरव मोदी की बात कर रहे हैं मेरे मित्र। मैंने कहा ना कि जिन्होंने कलियों को रौन डाला वही दावा कर रहे हैं चमन के रहनुमाई का। अब भैया 2011 में उसको लोन मिला, बीजेपी की सरकार थोड़ना थी, उससे पहले जो पिछले वाले सज्जन भागे वो थोड़ थे, और 185 करोड़ 88 करोड़ घोटाला मेरी सरकार में तोड़ना हुआ, कॉमनवेल्थ का घोटाला मेरी सरकार में तोड़ना हुआ, एक नहीं एक लाइन से फेरी ढूंढ लीजिए पिछली सरकार और इस सरकार में। पिछली सरकार में जो मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में बनी थी उसमें देश, फिर आप कहेंगे टोक रहे हैं, फिर आप कहेंगे टोक, फिर आप कहेंगे टोक, मुझे अब आप कामयाबी मुझे ये मत गिनाइए इन योजना पे कामयाबी, मुझे ये बताइए कि पिछड़े दलित क्यों क्यों उनका विकास नहीं हो, मुझे बस से ये बता, आपसे निवेदन है, मेरी बात पूरी, मेरा निवेदन है, सवाल प्लीज मेरी भी पूरी। देखिए अपने देश के अंदर जो करते हैं करते हैं, एक खेल प्रोग्राम के लिए विदेशों से पैसा आता है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉमनवेल्थ गेम, उसमें भी लूट लिया इन लोगों ने, देश का मान तो गिराया गिरा, पूरे विश्व में इन लोगों ने सम्मान गिराया था। और जब प्रधानमंत्री जाते थे बाहर में तो वही पाकिस्तान के लोग ये बोला करते थे कि कोई महिला जैसे दिखते हैं देश के प्रधानमंत्री, और आज उसी 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 देश के प्रधानमंत्री के कपड़े उतारे जा रहे हैं, और इस देश के प्रधानमंत्री को उसी अब उसी को इर्द गिर्द रखते हैं, उसी को। मैं सिर्फ दलित समाज और उसकी बात कर रहा हूँ, इधर उधर चर्चा इनके लिए आना मजबूरी है। मैं विकास की बात करूं तो मैं अपने बड़े भाई से ये पूछना चाहता हूं कि इनकी सरकार ने कौन सा किसानों के लिए, कौन सा बेरोजगारों के लिए, ये तो धरातल पर उतर कर करने की चीजें हैं, कौन सा काम किया है? अगर बात करें कांग्रेस की, अगर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस की राज में भी पहले लगातार जो है जो पहले लगातार चीजें आई हुई है, कहां से हुआ? यहां पर देश के बेरोजगार किसान लगातार आत्महत्या कर रहे हैं, सामने चीजें आ रही हैं, कांग्रेस की सरकार में भी हुआ है, कांग्रेस ने कौन सा काम कर? जब दलितों की बात होती है, दलित और पिछड़ों की बात होती है कि उनको लेकर सरकारें काम नहीं कर रही है, जब भी बात होगी तो सीधे फिर सवाल आपके ऊपर भी जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा आपने यहाँ पर राज किया, संतुलन बनाने में आप भी नाकाम हुए। बात कहूंगा कि हमेशा जो लोग सरकार के अंदर है सवाल उनसे किया जाता है। अब हम यही बताते रहे कि इन लोगों ने काम नहीं किया, अरे भैया हमने काम नहीं किया, जनता ने हमें वोट नहीं दिया, हम बाहर आ गए, अब आपके ऊपर विश्वास दिया है, आप लोग काम कीजिए, आप बजाय मूर्ति तोड़ने के, नहीं सुनिए ना भाई साहब, सुनिए आप मूर्ति तोड़ने की बजाय, आप फालतू बातें करने की बजाय, आप डेवलपमेंट का एजेंडा लाइए ना, आप बताइए सड़क बनाइए, आप दलित के लिए स्कूल बनाइए, आप दलितों का आरक्षण और बढ़ा दीजिए, आप उनके बस्ती के अंदर सड़कें बनवाइए, अच्छी लाइट दीजिए, अच्छा पानी दीजिए, बस्ता बांटिए, उनको मिड डे स्कीम दीजिए, आप योजनाएं जो कांग्रेस ने दी थी वही स्कीम्स को लागू कर दीजिए, उनको इफेक्टिव बना दीजिए, थोड़े आपके अफसर वहाँ जाके ज़्यादा ध्यान दे दिया करें तो ये काम मैं समझता हूँ अच्छा हो जाएगा। मगर भारतीय जनता पार्टी का ध्यान इस तरफ नहीं है, ये मेरा आरोप है, मैं चाहता हूँ कि ये विकास होना चाहिए, ये काम होना चाहिए। देखिए दलितों को लेकर वोट बैंक की राजनीति तो खूब हुई है, ऐसा नहीं है कि सबका विकास हुआ है, उनका विकास नहीं होता, इच्छा शक्ति की यहाँ सरकारों को कमी थी, उनको सिर्फ चुनाव के वक्त याद आई। आज मायावती भी अगर पीसी कर रही हैं, शायद वो अगर सत्ता में होती तो पीसी नहीं करती है। नहीं आसिफ देखिए, सारा लब्बो लुआब अगर आप रूट कॉज देखें प्रॉब्लम का क्या है और सारी पॉलिटिकल पार्टियों का देखें, पहला रूट कॉज ये है कि ये पूरे 5 साल केवल आपस में झगड़ा करना, आरोप लगाना, एक दूसरे को दोषी साबित करने में ही इनकी पूरी की पूरी टीम का जो टाइम है वो चला जाता है। दूसरा ये है कि इफेक्टिव डिलीवरी मैकेनिज्म जो एक गवर्नमेंट के पास होना चाहिए
मुझे लगता है कि वो अभी तक इंडिया में नहीं आ पाया है। जरूरत जो है कंट्री की और जो कंट्री में रिसोर्सेज है उनके मिसमैनेजमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। गवर्नमेंट कोई भी हो बड़े आराम से बोल देते हैं कि जी रिसोर्सेज नहीं है, उन्होंने ऐसा, अरे अपनी कमियों को छुपाने के लिए आप पास्ट की सरकारों को, ठीक है पास्ट की सरकार ने नहीं किया, मैं किसी भी सरकार की बात कर रहा हूँ, आप आए हो, आप सेंसिटिव हो, तो आप ऐसा मैकेनिज्म डेवलप कीजिए कि जहाँ पे डिलीवरी सिस्टम इंप्रूव हो, एक एक पैसे का जो है मैक्सिमम आउटपुट लिया जाए। ये चीज हो नहीं रहा है, सिस्टम कोई डेवलप कर नहीं रहा है। बस केवल ये है कि जहां पे भी हम कहीं फेल होंगे, जी उन्होंने किया, उस पार्टी ने किया, और जनता को बेवकूफ बनाते रहते हैं। मैं बोलता हूं गवर्नमेंट अगर मैकेनिज्म डेवलप नहीं कर पाती है और ऐसा सिस्टम डिलीवर नहीं कर पाती है ग्रोथ के मामले पे, तो मैं बोलता हूं कि अगर इंडिया को ग्लोबल पावर बनाना है तो वो सपना भी हमें देखना छोड़ देना चाहिए। आपस में ही ऐसे उलझते रहिए, जब भी आप फेल हुई है तो अपने अपोजिशन के ऊपर डाल दीजिए। राजनेताओं के पास, पॉलिटिकल पार्टियों के पास अधिकार तो सारे हैं, दायित्व तो कोई नहीं ये लोग लेते हैं, कर्तव्य कुछ नहीं लेते हैं, सारे पावर अथॉरिटी ये अपने कलम के पास अपनी जेब में रखते हैं, लेकिन एक कहीं गलती हो जाए, लाल बहादुर शास्त्री जी के बाद जब रेल दुर्घटना हुई थी तो उन्होंने खुद ये दायित्व लेते हुए, इसकी जिम्मेदारी लेते हुए रिजाइन कर दिया था। उसके बाद एक भी नेता आप मुझे बता दीजिए, सपा बसपा कांग्रेस बीएसपी किसी में भी बीजेपी में जिन्होंने अपना दायित्व, उसी की बात हो रही कि जवाबदेही भी होना चाहिए। आपकी सरकार है, ठीक आप कह रहे हैं कि विपक्ष माहौल खराब कर रही है, विपक्ष जो है आपको बदनाम करने की कोशिश कर रही है, विपक्ष दंगे बढ़ा रही है, विपक्ष जो है वो उनके पार्टी के कार्यकर्ता नेता मूर्तियां तोड़ रहे हैं, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है ये चीज़ नहीं होना चाहिए। आपकी जिम्मेदारी अगर हुआ उनको सजा दिलाना चाहिए, सलाखों के पीछे भेजना चाहिए, उनके बेनकाब करना चाहिए उनको। देखिए मैंने कहा है हमेशा कि सरकार में दोष जब होता है जब वो अपराधियों को सजा देने के बजाय वो संरक्षण दें। पूरे देश में देख लीजिएगा जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र की सरकार है चाहे प्रदेश की सरकार, हमने अपराधियों को, गुंडों को, बदमाशों को कभी संरक्षण नहीं दिया, उनको सजा दिलाने का काम किया है। परंतु जो राजनीतिक स्तर के जो कार्यकर्ता रात के अंधेरे में जब ऐसे काम करते हैं, जब हम उन पर कार्रवाई करते हैं तो उनको बचाने भी वही लोग आते हैं जो आज चिल्ला रहे हैं। आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, जब हम इनकाउंटर की बात कर रहे हैं, अपराधियों को मार रहे हैं, उनको भाई किसी को गलत तो नहीं कर रहे ना, क्योंकि हमने उत्तर प्रदेश के 21 करोड़ जनता को आश्वासन दिया था चुनाव में कि हम आएंगे तो सुशासन लेके आएंगे, आपकी रक्षा करने की जिम्मेदारी सरकार की है, और इसके कारण हम लोगों ने अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस को सख्त किया, पुलिस वही है। लेकिन क्राइम कम नहीं हुआ है, अपराध लगातार सामने आ रहे हैं। बिल्कुल हुआ, बिल्कुल, आप आंकड़े उठा के देख लीजिए, मैं आंकड़ों की बात, नहीं मैं बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल कम हुआ है। पहले अपराधी बेखौफ करते थे, पुलिस में FIR दर्ज नहीं होती थी और वो रिकॉर्ड में नहीं आती थी। आज आप देख लीजिए किसी भी थाने में जाके अपराधी जो 20,000 के अपराध होता है तभी तो मामला दर्ज होता है, बिना अपराध के कैसे अपराध दम लीजिए, उसी का तो जवाब। सर सुन तो लीजिए, आज 50,000, 1,00,000, 2,00,000 के अपराधी थाने में आके हाथ जोड़ रहे हैं कि मुझे जेल में डाल दीजिए, मैं बाहर नहीं रहना चाहता, मेरे इनकाउंटर होगा। ये सरकार की कुब्बत है, ये ताकत है। एक एग्जांपल देकर आप पूरे उत्तर प्रदेश में कहेंगे कि अपराध नहीं हो रहा है? मैं एक नहीं दे रहा हूँ साहब, आप जहाँ जिस नोएडा में खड़े हैं वही हापुड़ जो गाड़ी पर फर्जी एनकाउंटर भी हुए सर, सुन लीजिए, फर्जी एक भी नहीं हुए हैं। फर्जी एनकाउंटर हुए, सस्पेंड क्यों कर दिया? नहीं नहीं नहीं, वो उन दोनों की आपस में लड़ाई हुई थी, लड़ाई का नजरिया था, वो आप जांच में देख, भाई आप सुन लीजिए, वो इनका देख लीजिए, यहाँ पे हापुड़ में भी एक बदमाश ने जाके आप अपने आप को, नहीं क्या गलत है उसको संरक्षण देना, ठीक है क्या? बिल्कुल है, पुलिस को अधिकार है। फिर एनकाउंटर पर फिर गलत जगह पहुंच गए हम, सवाल देखिए एक बार पहले मेरे पास, आप इनसे पूछिए क्या बदमाशों को एनकाउंटर होना चाहिए नहीं होना चाहिए? एनकाउंटर की परिभाषा पहले होना चाहिए कि बदमाशों को पकड़ने के लिए गए और वो फरी, नहीं 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 आप फिर हम दलितों के विकास की बात करें, इधर उधर। संजय जी मुझे लगता है आप दिमाग से दिवालियेपन की स्थिति में है, आप दिमाग से दिवालियेपन की स्थिति में। एक बात बताइए अशोक जी, अभी तक खत्म नहीं हुआ। यहाँ पर हमारे देश में हर चीज की आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, राम मंदिर को लेकर इर्द गिर्द राजनीति हमारे यहाँ पर रहती है, लेकिन दलितों को लेकर कभी ये नहीं होता, विपक्ष सवाल नहीं उठाता, सरकार काम करके गिनाती नहीं। देखिए हमने इतनी बस्तियों में काम किया, देखिए इतनी बस्तियों में समानांतर आ गया है, समाज में वो फक्र से रह रहे हैं। मैं दो मिनट बोलूँगा, सिर्फ दो मिनट से भी कम समय लूँगा। ये समाजवादी पार्टी के, बहुजन समाज पार्टी के, कांग्रेस के मित्र जो पॉलिटिकल बेरोजगार हो गए वही चिल्ला रहे हैं। अब इस लोकतंत्र में सही और गलत का परिभाषा चुनाव होता है। जिस प्रदेश में भी चुनाव हुआ, जहां भी चुनाव हुआ, चाहे उत्तर प्रदेश में हुआ हो,
चुनाव का फूलपुर का उसका उदाहरण भाई साहब सुन लीजिए पहले आप, अरे भाई आप दे लीजिए ना आप, अरे त्रिपुरा भी दे लीजिए, आसाम भी दे लीजिए, बिहार आप बाकी और दे लीजिए भाई, वो तो दे लीजिए, खुद तो खत्म हो गए, आप बात करने दीजिए, खुद खत्म हो गए। देखिए लोकतंत्र में हार और जीत इसका चुनाव चुनाव कसौटी पे उतरते हैं। अगर हम इतने खराब होते तो सारी सीटों पे दलितों की सीटों पे भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती होती। आज भी देश के दलित भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और जो पॉलिटिकल दलित बन गए हैं दलितों के झूठी सहानुभूति लेके उनको परेशानी हो रही है और इनको परेशानी होगा क्योंकि हमने कहा था अच्छे दिन आएंगे, हमने ये नहीं कहा था कि कांग्रेस दलितों के अच्छे दिन आए, सुन लीजिए हमने ये नहीं कहा था क्या पिछड़ों के अच्छे दिन, सुन लीजिए हमने ये नहीं कहा था कि कांग्रेसियों के सफाइयों के बसपाइयों के जो टीवी चैनल पे बैठ के विधवा विलाप कर रहे हैं इनके अच्छे दिन आएंगे। ये जितना ज्यादा चिल्ला रहे हैं आप समझिए दिन में लोगों को दलितों के अच्छे दिन आ रहे हैं, पिछड़ों के अच्छे दिन। देखिए अगर अच्छे दिन नहीं आए होते तो रामनाथ कोविंद दलित एक साधारण परिवार से देश का राष्ट्रपति नहीं होता। इनके जैसे हम भी प्रणब मुखर्जी और देश में एक ही शख्स है जी को बनाते हैं, मीरा कुमार जी के पिता देश में क्या एक ही शख्स, सुन लीजिए सुन लीजिए बता रहा हूँ, बड़े शौकीन है आप तो उनके वोटों को कैश किया, वरना उनके पिता जगजीवन राम जी थे कितने बड़े नेता थे, आपने उनका क्या असर किया, आप सुन लीजिए पहले सुन लीजिए, आपने उनका क्या असर किया, आपने उनका प्राइम मिनिस्टर बनाया, आपने बनाया, आपने राष्ट्रपति बनाया, नहीं बनाया आपने, कुछ नहीं बनाया आपने, बनाया तो डमी बनाया। और जब जब आप मायावती जी को प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे, आप बताइए मायावती जी को आप खुद उनको बुला के प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे, राष्ट्रपति नहीं प्राइम मिनिस्टर आप बनाएंगे मायावती जी को, मेरे यहाँ पे मायावती जैसे बहुत सारे दलित नेता है, मैं उनको बनाऊंगा, उनको क्यों बनाऊंगा, मायावती को अच्छे नेता ही नहीं मानते, बीजेपी कैसे विरोधी है तो कैसे मान लेंगे। नहीं देखिए मेरा सवाल ये देखिए हमारे देश में, देखिए हम पिछड़ों के किसानों की और इनकी बात कर रहे हैं, हमारे देश में वास्तव में इनका विकास नहीं हुआ और उसकी एक ये वजह है कि बस्तियों में जाकर उनके हालचाल देखकर और उन चीज़ों को समझकर कभी योजनाएं नहीं बनी, योजनाएं यहाँ दिल्ली में बैठकर बनी या फिर राज्य की राजधानियों में वहाँ पर योजनाएँ बनी, और योजनाएँ बनी भी अगर जैसी बनी भी वो लागू हुई, फायदा हो रहा है नहीं हो रहा है तो किसका हो रहा है, क्या अधिकारी उठा रहे हैं फायदा, ये बात देखा। देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, सारी गवर्नमेंट को आप इंक्लूड कर लीजिए, डेवलपमेंट का मुद्दा और जो प्रोसेस होता है वो अपने आप में एक बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। मैं ये भी नहीं बोलता हूँ कि योजनाएं इफेक्टिव नहीं बनी है, बहुत सारी योजनाएं बहुत इफेक्टिव थी, लेकिन क्वेश्चन आके यहीं पे जाकर के खत्म होता है कि जो प्रोसेस होता है, जो डिलीवरी मैकेनिज्म होता है, सारी योजनाएं बनने के बाद कुछ जो है टॉप लेवल के ऑफिसर्स नेताओं के हाथों की कठपुतलियां बन जाती हैं, वो उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती रहती हैं, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी उनके घर के बगल का। आप एक टिपिकल एग्जाम्पल देखो देश में क्या होता है, आजम खान साहब जो मंत्री थे सपा सरकार में, उनकी भैंस खो गई, पूरा पुलिस महकमा उनकी भैंस ढूंढने में लग गया, तो पुलिस महकमा आपकी भैंस ढूंढने के लिए है, पुलिस महकमा पुलिस कोई भी डिपार्टमेंट वो पब्लिक के काम के लिए है, एक बच्चा खो जाता है उसकी FIR नहीं लिखी जाती है, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता है। सवाल ये है कि यहाँ पे सिस्टम जितना हमें डेवलपमेंट चाहिए, जिस इफिशियंसी के साथ गवर्नमेंट को डिलीवर करना चाहिए, वो किसी भी गवर्नमेंट में मुझे इफिशियंसी नहीं दिख रही है। आराम से 5 साल एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हुए ये गुजार देते हैं, सारी सुविधाएं ले लेते हैं, देश का ग्रोथ 6% 7% पे होगा, इनका ग्रोथ 6,000 7,000 100 200, हर इंडिविजुअल नेता का ग्रोथ आप देखिए 100 200 300% के हिसाब से होता है। दलितों के लिए और पिछड़ों के लिए योजनाएं बहुत कम बनती हैं तो उनको फायदे नहीं मिलते क्योंकि धरातल पर देखते ही नहीं है, उन योजनाओं का फायदा जो है वो सांसद विधायक या वहाँ के जो है अधिकारी उठा लेते हैं। मैं वही कहना चाहता हूँ कि देखिए जब सरकार, मैं आपसे फिर वही कह रहा हूँ कि पार्टी के नाम से मैं ऊपर उठने की बजाय मैं सरकार से बात कर रहा हूँ कि जब आप सरकार चाहे वो UP की हो, चाहे वो किसी और प्रदेश की हो, चाहे वो केंद्र की हो, उस सरकार के अंदर जो अधिकारी बैठे हैं उनकी जिम्मेवारी बनती है। हम भारतीय जनता पार्टी भी या कांग्रेस है या दूसरे दल हैं, इनका काम इनको एक रास्ता दिखाना है, मैं उसकी कमी तो ज़रूर आपको गिना ही रहा हूँ। मैं साथ में कहना चाहता हूँ अधिकारियों का भी इसके अंदर सहयोग नहीं है, जो लोग पिछड़ी जाति के अधिकारी हैं, सर एक मिनट, जो अधिकारी हैं उन अधिकारियों को भी समझना चाहिए कि उनके भाई वहाँ के उनको विकास चाहिए, उनको खाना चाहिए, उनको पानी चाहिए, उनको सड़क चाहिए, उनको लाइट चाहिए, उनको बस्ता चाहिए, ये बात उनको भी समझनी चाहिए। कम वक्त की कमी है, एक लाइन में कब अच्छे दिन आएंगे दलितों के किसानों के, मैं एक बात बताता हूँ। देखिए अच्छे दिन उनके चल रहे हैं, लेकिन मेरे मित्र बहुत देर से राजनीतिक पार्टी को बोल रहे हैं,
मुझे लगता है कि इनको सोचना चाहिए कि मायावती को हम प्रधानमंत्री क्यों बनाए, जब प्रधानमंत्री जी सुन लीजिए उनको भी कह रहे हैं, हम मायावती को प्रधानमंत्री क्यों बनाएंगे जब देश के लोगों ने एक सीट न उनको जिताया न उनकी पार्टी को जिताया। मेरे यहाँ बहुत सारे सांसद हैं, मेरे यहाँ बहुत सारे सांसद हैं, बहुत सारे दलित नेता हैं, वो बनेंगे तो वो देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। वो मायावती क्यों बनेगी जो दूसरों को नकार चुकी है, जो जिनको दलितों ने नकार दिया, इसलिए आप क्यों मनाएंगे और क्यों उनकी तारीफ करेंगे? लेकिन इस देश के तब अच्छे दिन आएंगे जब पिछड़ों के अच्छे दिन आएंगे, जब किसानों के अच्छे दिन आएंगे, जब दलितों के अच्छे दिन आएंगे, जब वो समाज में, जब समाज में शिक्षा को लेकर, आर्थिक व्यवस्था को लेकर बिल्कुल समानता होगी, कोई भेदभाव नहीं होगा, तब कहा जाएगा कि हमारे देश के अच्छे दिन आ गए। तब तक नहीं कह सकते कि हमारे देश के अच्छे दिन आ गए, क्योंकि लगातार मूर्तियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, दलितों को परेशान किया जा रहा है और दंगे भी लगातार बढ़ रहे हैं। जब तक ये सारी चीज़ नहीं रुकेंगी तब तक कहने का अधिकार नहीं है कि अच्छे दिन आ गए। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए TV100। नमस्कार।